लड़की है उसकी डाइट के ऊपर फोकस करें, उसके घर का एनवायरनमेंट सारा हेल्दी हो। जिन लोगों को PCOS होता है, अक्सर वो एक सोसाइटल टैबू है बना हुआ कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाय मुझे PCOS हो गया, अब क्या करेंगे। PCOS की लड़कियों को प्रोटीन की मात्रा भी अपनी डाइट में हाई रखनी है ताकि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो। तो अक्सर ये माना जाता है कि PCOS में ज़रूरी नहीं है कि लोग जैसा सोचते हैं कि ओवर वेट बढ़ता ही है। कई बार लीन क्लाइंट्स में भी, लीन जो लोग हैं, जो पतले हैं, उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। सबके हेल्थ अलग है एंड PCOS में सबकी जो है रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब एक लड़की मेरे पास PCOS के लिए आता है मेरे पास, तो सबसे पहले हम उनका लाइफस्टाइल देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। हेल्दी फैट्स हों, हेल्दी कार्ब्स हों, होल ग्रेन्स हों, प्रोटीन की मात्रा ठीक हो, स्पेशली फॉर PCOS। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज मैं आई हूँ एक ऐसी बात करने के लिए, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो आज हम सभी यंग्स को, लड़कों को, लड़कियों को परेशान करने लगा है, हार्मोनल डिसबैलेंस। इसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों में, महिलाओं में। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कई दफा महिलाओं में या यंग लड़कियों में PCOD या PCOS की समस्या देखने को मिलती है। इसका सीधा सीधा रिलेशन डाइट से है। हम ऐसी क्या डाइट लें इस प्रॉब्लम में जो कि हम इस समस्या से बच सके। PCOD में किस तरह की डाइट लेने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं, लाइक पीरियड्स का खराब होना या फेस पे कभी कभी पिंपल्स ज्यादा हो जाना, इस तरह की तमाम परेशानियां। ऐसी ही परेशानियों पे आज हमें बताएंगी डॉक्टर इंदु शर्मा कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम PCOD की समस्या से बच सके। आइए मिलते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर इंदु शर्मा। आई एम अ डाइटिशियन, अ योगा साइंटिस्ट एंड अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आई हेल्प पीपल फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है, PCOS या जिनको लोग PCOD भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इस PCOS इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो किस तरीके की डाइट आपको लेनी है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी। हर बीमारी के लिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, एक हेल्दी डाइट का लेना, एक बैलेंस डाइट, वेल बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें हेल्दी फैट्स हों, हेल्दी कार्ब्स हों, होल ग्रेन्स हों, प्रोटीन की मात्रा ठीक हो, स्पेशली फॉर PCOS, बिकॉज PCOS के जो लड़कियां आती हैं हमारे पास एज अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, मेरे पास जो PCOS की हर रोज़ मैं देखती हूँ यंग गर्ल्स आती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो जब एक लड़की मेरे पास PCOS के लिए कोई आता है मेरे पास, तो सबसे पहले हम उनका लाइफस्टाइल देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो उनके हम हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं, डाइट के ऊपर फोकस करते हैं, हेल्दी डाइट। अक्सर उनको हम हेल्दी फैट्स देते हैं, जैसे एवोकाडो हो गया, सीड्स हो गए और होल ग्रेन्स हो गए, ताकि उनके जो भी विटामिन्स पूरे हों, उनको फाइबर मिले पूरा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम उनको देते हैं और साथ में उनको थोड़ी एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं, ताकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के साथ उनका एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उनकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो अक्सर देखा जाता है कि PCOS के क्लाइंट्स में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हुई होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कम होती है, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। तो उनको साथ में हम स्लीप एंड हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि आप स्टे वेल हाइड्रेटेड, आप पानी पीजिए और रेस्ट प्रॉपर लीजिए, अपनी नींद पे फोकस कीजिए। कम से कम 8 घंटे की नींद एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रिकवर कर पाएँ और थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, क्यों तो कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस जो अक्सर PCOS के क्लाइंट्स में देखा जाता है, टू ओवरकम दैट, शुरू में थोड़ा थोड़ा उनको इजी वे में रेस्टोरेशन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा, कि आप स्टार्ट विद 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर वॉक, वो भी एक मीडियम टू हाई पेस पे आप वॉक कीजिए, आप स्टॉपवॉच को सेट कीजिए और उसके साथ आप
थोड़ा पहले 15, अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी कुछ नहीं किया है आपकी, दैट इज़ अगेन कॉन्टेक्सचुअल, सबके हेल्थ अलग है एंड PCOS में सबकी जो है रिक्वायरमेंट अलग है, एक चीज़ सबके लिए नहीं हो सकती। सो हम ये मान के चलते हैं एट आरोग्यम लाइफस्टाइल कि N इज इक्वल टू 1, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो आर देयर रिक्वायरमेंट्स, तो हम उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करते हैं। किसी को स्ट्रेस ज़्यादा है तो उनको हम जर्नलिंग सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, लिखिए आपको कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके साथ बैठ के उनके गोल्स को डिसाइड करते हैं। एंड टू बाकी जो है बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं कि जनरल वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें होल ग्रेन्स हों, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग्स हों, कम से कम हम उनको 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की देते हैं। देन वो अगर इफ़ दे आर नॉन वेजिटेरियंस दे कैन टेक एग्स एंड दे ऑल्सो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कोलिन फैट। सो और उसके साथ साथ अगर वो लीन मीट ले सकते हैं जैसे चिकन हो गया, और अगर वो उनको लैक्टोजन इंटॉलरेंस नहीं है, और सब में नहीं होती, अक्सर ये मिथ है कि PCOS में डेयरी नहीं लेना है, पर ऐसा कुछ नहीं है, डेयरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट, तो वो ले सकते हैं। डेयरी में प्रोटीन बहुत है और PCOS की लड़कियों को प्रोटीन की मात्रा भी अपनी डाइट में हाई रखनी है ताकि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो, उनकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव। तो अक्सर ये माना जाता है कि PCOS में ज़रूरी नहीं है कि लोग जैसा सोचते हैं कि ओवर वेट बढ़ता ही है, कई बार लीन क्लाइंट्स में भी, लीन जो लोग हैं जो पतले हैं उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, उनमें भी PCOS हो सकता है। तो पहले आप अपना टेस्ट करवाइए अच्छे से, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाइए अपना, देखिए सारे ब्लड पैरामीटर्स अपने चेक करवाइए, और आपके एंड्रोजन लेवल्स अगर हाई हैं तो उनके ऊपर हम काम करते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि गट डिसबायोसिस, कि हमारी जो गट हेल्थ ख़राब होती है, दैट इज़ द अभी रिसेंट रिसर्च हैज़ शोन गट डिसबायोसिस लीड्स टू डिस्टर्ब्ड एंड्रोजन्स, तो उसमें जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं एज अ आई डू एज अ लाइफ स्टाइल कोच, कि जब मेरे पास कोई आता है PCOS वाला तो उसके हम गट हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हम उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उनका स्ट्रेस मैनेज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्लीप है वो ऑप्टिमाइज करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, शुरू में नहीं, बहुत कंसिस्टेंट स्लो अप्रोच के साथ। और अगर किसी को वेट बढ़ा हुआ है तो उनको हम सजेस्ट करते हैं शुरू में कि आप धीरे धीरे करके एक्टिविटी बढ़ाइए, स्टार्ट विद वॉकिंग। देन रिसर्च हैज़ शोन कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट है सिम्टम्स को कम करने में PCOS के, तो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करती है। तो इसलिए वो जिम में जाएं, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो योगा करें, योगा ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज इट काम्स डाउन योर माइंड एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, उससे आपकी नींद अच्छी आएगी और आपका मूड अपबीट रहेगा। क्योंकि जिन लोगों को PCOS होता है अक्सर वो एक सोसाइटल टैबू है बना हुआ कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाय मुझे PCOS हो गया अब क्या करेंगे, पेरेंट्स भी वरीड हो जाते हैं, तो पूरा घर में एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है। तो मेरी यही राय है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें बच्चे को, उसको हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करें ताकि उसको स्ट्रेस ना हो, वो अपनी डाइट पे फोकस कर सकें। स्पेशली मदर्स जो हैं वो बच्चे की जो भी क्लाइंट है लड़की है उसकी डाइट के ऊपर फोकस करें, उसके घर का एनवायरनमेंट सारा हेल्दी हो, उसको थोड़ा थोड़ा इनकरेज करें ताकि वो थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें, और इन सारी चीज़ों से हम PCOS के सिम्टम्स को ओवरकम बहुत अच्छे से कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि एक हेल्दी डाइट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, और डाइट जैसे कि मैंने बताया डिजीज़ कोई भी हो, डाइट सबके लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। एज डेमोग्राफिक डज नॉट मैटर, एज कोई भी हो, हर एज में हेल्दी डाइट का, रिच प्रोटीन डाइट का, होल ग्रेन्स का, स्लीप का, हाइड्रेशन का, उतना ही एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का उतना ही महत्व है। तो अगर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके बहुत सारे
मिथ्स भी बस्ट हुए होंगे कि ये डाइट ना खाएं, इस डिजीज में ये डाइट ना खाएं, और आप मुझे फोकस टीवी चैनल के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, डाइट का कितना अहम रोल है हमारी जिंदगी में। अगर हम समय पर और सही डाइट लें तो हम कितनी बीमारियों को आने से ही रोक सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम को हम डाइट से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अच्छी डाइट और अच्छी नींद लें, साथ में थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा करें, तो हम जिंदगी भर तक यंग, तंदुरुस्त और तरोताजा बने रह सकते हैं। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी डाइट लीजिए। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।